देन पूल के जस्ट नीचे आपको ऑटो में अब हम यहाँ से स्ट्रेट से आना ये गार्डन की गेट से निकलना आप पहले सांस लो दोस्तों इस खान दोस्तों आज मेरे साथ अमेरा है और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है दोस्तों अभी एक पार्क में एक लड़की दिखी है देख रहे हैं ना मतलब यार बताओ हो क्या रहा है उसके साथ इतना ठंड में पहले घुमा के दिखाइए मतलब कि इतना ठंड में मतलब तुम पहने हो तुम भी तो लड़की हो ऐसा सुना करते हो लड़कियों को ठंड नहीं लगती है यार भाई अंदर जींस है इनर है पता नहीं क्या क्या पहन रखे हैं उसके बावजूद भी ठंड लग रहा है भाई और वो टॉप क्रॉप टॉप क्या क्या उसको बोलते हैं शॉर्ट्स पहनी हुई है तो चलते हैं उसके ऊपर और एक्स्ट्रा हैंड प्रैंक करते हैं आई होप आपको मजा आएगा ठीक है देखिएगा पूरा एक्सक्यूज मी ये आपको एड्रेस पता है क्या हाँ एक्चुअली मैं यहाँ पे नया हूँ ना तो समझ में आ नहीं रहा कैसे निकलूँ कहाँ से जाऊँ क्या करूँ तो समझ में क्योंकि मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे छोड़ कर गया था तो ये एक्चुअली जाना कैसे है मतलब यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है देन पुल के जस्ट नीचे सॉरी आप मुझे टच क्यों कर रहे हो ये एड्रेस पूछने के कारण नहीं यार ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मैं बस एड्रेस पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कैसे निकलूं तो यहाँ से आपको निकलना है इसके बाद फिर जस्ट पूल पूल जस्ट पूल के नीचे आपको ऑटो मिलेगी 10 रुपए लेगी आपको पंजाबी बाग छोड़ देगी ये मतलब ये चीज तो मैं समझा ठीक है मगर वो एक्चुअली वो समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से ऐसे यहाँ से जाके राइट फिर से बताइएगा कैसे जाना है मतलब यहाँ से जाने के बाद यहाँ से जाके राइट जाना है हाँ। फिर ये जो गार्डन का दरवाजा होगा ना गेट नंबर 2 वहाँ अच्छा। से आप निकलना स्ट्रेट की ओर रोड क्रॉस करके अच्छा हाँ देन हाँ। फिर वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी अच्छा आप मुझे अरे यार मैं टच नहीं कर रहा हूँ मैं तो बस नॉर्मल एड्रेस पूछ रहा हूँ आपसे एक्चुअली मैं बिहार से हूँ ना तो यहाँ का अभी दिल्ली में नए नए आया हूँ तो कुछ आइडिया ऐसे लग नहीं रहा है कि कैसे कहाँ जाऊँ किस तरीके से करूँ तो वो थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कैसे निकलूँ ये जगह कहाँ पर पड़ता है मतलब ये आपका पंजाबी बाग ज़्यादा दूर नहीं है मुझे लग रहा है कि आप मुझे टच कर रहे हो मैं यहाँ हूँ आप वहाँ पूछने के कारण मुझे टच कर नहीं रहे हो नहीं 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 मैं ऐसा टच वच नहीं कर रहा हूँ आपको कुछ गलत फहमी हो रही है अरे हो सकता है ओके सॉरी बाय द वे नाम क्या है आपका खुशी खुशी अच्छा आप कहाँ मतलब प्रॉपर यहीं से हो हाँ प्रॉपर यहीं से हूँ बट ऐसे ही चल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए फिलहाल गार्डन पर बैठी हूँ अच्छा नहीं चलिए बढ़िया है वो चीज़ तो आप ठीक हो ना मतलब ऐसे या मैं ठीक हूँ आप ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब ऐसे अजीब हरकतें कर रही हूँ तो मैं पागल हूँ नो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली मुझे ऐसा थोड़ा कुछ फील हो रहा है कि आप मुझे टच कर रहे हो आप सोई थी सुबह रात में या ऑफ कोर्स यार डियर आप सोई थी चलिए कोई नहीं होता है ना कभी चलिए छोड़ते हैं सारी बात छोड़ के हम आपको लोकेशन बताते हैं कैसे मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मतलब कैसे मैंने आपसे कहा तो गेट नंबर 2 पे आप निकलना यहाँ से देन पूल के जस्ट नीचे आपको ऑटो मिल ऑटो मिलेगी देन वो 10 रुपए लेगी आपको छोड़ देगी ये मेट्रो स्टेशन तो वहाँ से आप मेट्रो कर लेना मेट्रो से जाऊँ या ऑटो से जाऊँ आपने बताया अभी लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट मेट्रो नहीं जा सकते ना इसलिए अच्छा। अभी आपको फिलहाल ऑटो से ही जाना होगा ऐसा है अभी भी कंफ्यूजन है ये मेरा फ्रेंड ना मुझे छोड़ कर चला गया कि मैं आता हूँ अभी फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम इस एड्रेस पे आ जाओ ये क्या पंजाबी बाग में पड़ता है ना मुझे ना सीरियसली लग रहा है अब आप मुझे टच ही कर रहे हो सॉरी यार ऐसे मत बोला करो मैं गरीब बिहार का लड़का हूँ यार ऐसे बस मैं घर पे यहाँ बैठा हूँ तो सोचा कि घूम लेता हूँ दिल्ली तो आप मिली
जी आप ठीक हो ना? या बट मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ एड्रेस, आप छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं कहाँ नहीं ये काम करो ना, आप ही जाके पूछ लो एक्चुअली थोड़ा। हम मैं किसी और से जाके पूछ लो जी, मैं किसी और से जाके पूछ लेता हूँ, थैंक यू सो मच। मतलब ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। एक बात पूछूँ? हाँ। देखिए बुरा मत मानना, मतलब एड्रेस तो आप नहीं बताए, कोई नहीं, मतलब इतनी ठंड में आप ऐसे शॉर्ट्स छोटे छोटे कपड़ों में बैठी हो, आपको ठंड नहीं लग रही? वो नहीं एक्चुअली, मतलब फ्रेंड आ रहे तो हमें कहीं पार्टी में जाना है, तो इसलिए, तो आपको तो पता है ना पार्टी क्लब्स में जाने के लिए ऐसे ड्रेस अप चलते हैं, तो बस इसलिए। चलो कोई ना, ओके ऐसे एक काम करती हूँ, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, फालतू परेशान हो गए। देखो अब हम यहाँ से स्ट्रेट जाना, ये गार्डन की निकलना, उसके बाद तो पूल के जस्ट बीच से आप लेगी 10 रुपये लेगी आपको, वो आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देगी, फिर वहाँ से आप ना मेट्रो कर लेना। नहीं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बताने में, आप क्या बता रही हो, आप ऑटो बता रही हो या मेट्रो बता रही हो, मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ का। आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ से पहले आपको जाना होगा पुल के जस्ट नीचे, वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी, फिर आप मेट्रो स्टेशन जाओगे, देन वहाँ से मेट्रो करोगे। आप पहले सांस लो, सांस लो, मुझे आप समझ नहीं आ रहा है, आप बता क्या रही हो? ठीक हो? या ठीक हूँ, पक्का ना? या श्योर, या फिर मैं जाऊँ किसी और से पूछ लूँ? नहीं मैं बता देती हूँ आपको। जी देखो आप यहाँ से ना गार्डन के गेट नंबर से 2 से निकल जाना, देन हाँ। उसके बाद ना पूल के जस्ट नीचे आपको ऑटो मिलेगी, ऑटो हाँ। करके आप मेट्रो स्टेशन चले जाना, मेट्रो स्टेशन जैसे ही पहुँचोगे ना तो वहाँ से आपको पंजाबी बात करिए, मेट्रो करनी है कौन से प्लेटफॉर्म से करनी है, देन वो बता देंगे आपको, ठीक है? पक्का ना? आई होप आप समझ गए होंगे। मैं अभी भी नहीं समझा, मैं पता नहीं यार, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ना कि देन आप टच कर रहे हो मुझे, या मुझे फीलिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं मैं ऐसा बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, देन आई थिंक कंफर्टेबल नहीं है एक्चुअली, यही कुछ है शायद इसलिए। कोई नहीं कोई नहीं, आप बैठो रिलैक्स होके, हो सकता है ना कि आप कम कपड़ों में आई हो ना, तो इसलिए हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ हो रहा है मेरे साथ, बट मैं देख नहीं पा रही। कोई नहीं आप बैठो, चलो थैंक यू सो मच, वेलकम। अभी भी एड्रेस कुछ समझ में नहीं पाया, मतलब आप क्या बोल रही हो, कैसे बोल रही हो आप ना? फोकस नहीं कर रहे हो। मैं तो फोकस कर रहा हूँ, आप फोकस नहीं कर रहे हो एड्रेस बताने पे। मुझ मेरा फेस मत देखो, मेरा एक्सप्रेशन मत देखो, आप इस पे फोकस रखो। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ऑफ कोर्स ट्राई। जी देखो यहाँ से आप गेट नंबर 2 पे निकलोगे, देन पूल के जस्ट नीचे आपको ऑटो मिलेगी। यहाँ गेट नंबर 2 से निकलने के बाद पूल पे ऑटो मिलेगी और ऑटो पकड़ के एक काम करो, उनको बताओ अपना हाथ को, क्योंकि आप पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ यार? नहीं अब मैं बताती हूँ। हाँ आप यहाँ से बाहर निकलना, गेट नंबर 2 आएगा गार्डन का, देन वहाँ से निकलने के बाद ऑटो मिलेगी, ऑटो पकड़ के मेट्रो स्टेशन जाना और ऑटो वाला ना 10 रुपये ही लेगा सिर्फ आपसे, फिर आप मेट्रो स्टेशन पहुँच जाओगे और फिर वहाँ पे ना किसी से पूछ लेना कि
पंजाबी बाग कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको वो मेट्रो मिलेगी वो पूछ रहे आपको, ठीक है ओके थैंक यू पक्का ना हाँ थैंक यू सो मच एक्सक्यूज मी आप फिर आ गए नहीं वो एड्रेस तो आप सही बताई थी ना हाँ आप ठीक हो ना मैं आपके हाल चाल सीखने के लिए आया था हाँ ठीक हूँ बट पता नहीं यार उस टाइम कुछ ऐसा फील हो रहा था ना कि देन कोई मुझे टच कर रहा है या आप कर रहे हो टच ऐसी फील नहीं मैं टच नहीं कर रहा हूँ वैसे मेरे पास एक जादू है मैं दिखाऊँ आपको ये श्योर पक्का ना क्या या आप खड़ी हो जाओ ओके मैं आपको बिना टच किए मतलब बिना अपने हाथों से आपको टच कर सकता हूँ ओके कैसे हाथ लाओ आग बंद करो सॉरी मतलब ये मेरी फ्रेंड थी और बैठी 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 आपको कुछ नहीं हुआ नॉर्मल हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे प्रैंक वीडियो और ये आपको टच कर रही थी ऐसा वहाँ पे मेरा कैमरा लगा हुआ है इसलिए अब आप ठीक हो ना इफ यू डोंट माइंड मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ या श्योर क्योंकि मैंने टच नहीं किया ये मेरी फ्रेंड है वही टच ओके हाय हाय क्या नाम है खुशी ना खुशी थैंक यू सो मच व्हाट्स बहुत प्यारी हो आप थैंक यू अभी मैंने टच किया